सभी भक्तों को राधे राधे। और दोस्तों, मैं लोकेश आप सबका स्वागत करता हूँ समस्त ब्रज भक्ति विवाह परिवार की ओर से आप सबका। और आज हम जो आपको एक बहुत ही सुंदर और दिव्य स्थान पर लेकर आए हैं, जो कि लगभग 5000 वर्ष पुराना ये स्थान है और भगवान कन्हैया से जो जुड़ा हुआ ये स्थान प्राचीन स्थान है। तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो भगवान कृष्ण आए थे, और यहाँ पर एक जो 5000 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष भी है जिसके नीचे उन्होंने विश्राम किया था, और ये सरोवर में भी उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था रात को। तो इस जगह का नाम जो वासुदेव तीर्थ, भगवान कृष्ण के नाम एक नाम वासुदेव भी है, तो उन्हीं के नाम पर जो वासुदेव तीर्थ हो गया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो है बटेश्वर महादेव की भी स्थापना की थी, अपने हाथों से जो शिवलिंग की स्थापना की थी। तो वो मंदिर के दर्शन भी हम आपको कराएंगे, और यहाँ के जितने भी मतलब स्थान है, यहाँ पे भव्य स्थान है, उनके सभी के आपको दर्शन कराने वाले हैं, और हम भी दर्शन करेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो सामने यहाँ पे जो बहुत ही सुंदर जो हनुमान जी की मूर्ति है, पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है, आप देख रहे हैं सामने, बहुत ऊँची जो मूर्ति है ये। आपको जो दर्शन कराते हैं हम, ये जो वृक्ष देख रहे हैं आप, ये जो दिव्य वृक्ष है, ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। इस पर जो पांच मुखी रुद्राक्ष का वृक्ष है, तो इस समय चूंकि पतझड़ का समय है तो पत्ते तो गिर चुके हैं, और इसकी सिक्योरिटी आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे किस तरह से सुरक्षित रखा गया। और आगे जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये तुलसी उद्यान है, यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगा हुआ है। ये सामने तुलसी जो तुलसीदास जी की मूर्ति भी है, और ये तुलसी उद्यान यहाँ पर बना हुआ। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के, ये वही जो तुलसीदास हैं जिन्होंने की रामचरित मानस की जो रचना की थी, और इनके दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। और दर्शन उपरांत हम जो आगे के लिए चलते हैं, जो मंदिर में चलेंगे, और आगे के जितने भी स्थान हैं उन सबके आपको दर्शन कराते हैं। आइए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बंदरों की यहाँ पे भी कमी नहीं है, काफ़ी बंदर है यहाँ पे। लेकिन ये जो स्थान है ये मथुरा वृंदावन में नहीं है, मथुरा वृंदावन में बहुत बंदर होते हैं, और यहाँ पे भी बहुत बंदर है। ये जो स्थान है मथुरा वृंदावन से 230 लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा पड़ता, वहाँ पर जो है ये स्थान है वासुदेव तीर्थ स्थल अमरोहा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता। तो इस समय आप जो दर्शन कर रहे हैं श्री बटेश्वर महादेव के कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर रूप है यहाँ पर मंदिर, देखिए किस तरह से जो शिवलिंग के रूप में मंदिर की स्थापना की गई है। और ये मंदिर जो बटेश्वर महादेव है, इनकी जो स्थापना की थी तो भगवान कृष्ण ने की थी यहाँ पर, जब वो यहाँ पर रात्रि में रुके थे तो उन्होंने यहाँ पर मतलब स्थापना की थी, और ये बराबर में जो सरोवर है इसी में उन्होंने स्नान किया था। तो अभी हम अंदर चलेंगे और वहाँ के भी दर्शन करेंगे मंदिर के। आइए आगे के लिए, तो अभी हम जो बटेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आ चुके हैं, और आप सामने दर्शन कर रहे हैं श्री नंदी महाराज के, जो कि सरोवर के किनारे पे यहाँ पर विराजमान है। और आगे मंदिर में चलते हैं, गेट तो अभी बंद है लेकिन बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। तो अभी मंदिर जो बंद है, हम बाहर से ही जो दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करा देंगे। तो आप भी जो भोलेनाथ के दर्शन कर लें, जो बटेश्वर महादेव है भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्थापित, बहुत सुंदर दर्शन है, अलौकिक रूप है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो महादेव के बहुत सुंदर दर्शन करने के पश्चात हम जो आगे बढ़ते हैं, आइए आगे आइए। और यहाँ देख रहे हैं आप मंदिर, भगवान परशुराम जी का यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पे भी चल रहे हैं हम। तो बहुत ही सुंदर, जो एक कहना चाहिए बहुत ही सुंदर स्थान है।
यहाँ पर जो है परशुराम जी विराजमान है। देखिए बहुत सुंदर महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम, देखिए सामने बहुत सुंदर प्रतिमा है परशुराम जी की। और तो परशुराम जी के दर्शन के पश्चात देख रहे हैं यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ पे जिस बंदरों की वजह से जो सारे में यहाँ पे जो है देखिए जाल लगाया हुआ है और गणेश जी बराबर में यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर दर्शन है देख रहे हैं आप। तो आप जो सामने दर्शन कर रहे हैं ये वो भगवान श्री दक्ष प्रजापति जी का मंदिर है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और माता सती के पिता थे दक्ष प्रजापति, और भगवान भोलेनाथ के ससुर भी थे। तो आइए आगे चलते हैं, अभी जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर, मूर्ति तो यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितना दिव्य स्वरूप है यहाँ पे, जो साक्षात शेषनाग यहाँ पे विराजमान है और माता लक्ष्मी है, और देख रहे हैं आप भगवान विष्णु जो है यहाँ पे विराजमान है, और उनकी सवारी जो लक्ष्मी जी की उल्लू भी यहाँ पे विराजमान है। तो बहुत इन दर्शनों के साथ आगे के लिए चलते हैं। और ये वृक्ष देखिए कितना मतलब प्राचीन वृक्ष है, ये भी लगभग वही 5000 साल पुराना रहा होगा, कम से कम 4-5 हज़ार वर्ष पुराना वृक्ष है ये। देख रहे हैं आप इसकी जो पता ही नहीं चल रहा कितनी तकड़ी इसकी जो जड़ है, बराबर की इसकी जो जड़ें भी फूट फूट के काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो आओ आगे के लिए आ जाओ। और काफ़ी छोटे छोटे मंदिर भी यहाँ पे बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है, तो यहाँ पे जो आप दर्शन कर रहे हैं इस समय ये भी महादेव का मतलब शिव जी का मंदिर है, छोटा मंदिर है, क्योंकि वासुदेव तीर्थ है। तो तीर्थ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मतलब स्थान है, बहुत सारे यहाँ पे देवी देवता विराजमान है। तो कंप्लीट, तो आगे चलते हैं और आपको जो सरोवर के दर्शन कराते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है जो कि, तो उसकी वजह से कुछ ये सामान यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ रास्ता थोड़ा बंद सा है। तो जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो स्नान किया था, तो उस जो सरोवर है पवित्र सरोवर है उसके दर्शन हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं। जो आप सामने देख रहे हैं वही सरोवर है, तो अंदर की तरफ को हम चलेंगे और अंदर चल के वहाँ से आपको दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे जो है अंदर जाने के लिए रास्ता दिया गया, बहुत सुंदर यहाँ का जो दृश्य है आप देख रहे हैं। और इधर जो सामने भोलेनाथ की बहुत सुंदर प्रतिमा सामने ऊपर की तरफ देखिए, त्रिशूल लिए भोलेनाथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। और उसके ठीक सामने उधर देखिए पंचमुखी हनुमान विराजमान है सामने, जैसे शुरू में ही हमने आपको दिखाया था, और जो शिवलिंग के रूप में बटेश्वर महादेव जी का मंदिर है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर लें, और अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप जो ये दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल ब्रज भक्ति भाव की तरफ से कर रहे हैं, आइए आगे के लिए। तो ये जो सरोवर है इसमें बोटिंग वगैरह भी होती है वैसे तो, और देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ इसमें कछुए वगैरह भी यहाँ पर घूम रहे हैं, मछली रहती है इसमें, कोई इन चीज़ों को जो यहाँ से मतलब प्रतिबंधित है, कोई इसमें जो पकड़ नहीं सकता यहाँ से। और बहुत ही सुंदर जल है। तो ये जो मतलब जब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे इसमें स्नान किया था सरोवर में, उसके पश्चात इसका जो मतलब काफ़ी बड़ा विशाल क्षेत्र है इस पर जो संरक्षण हो गया, और जब से ही लोग यहाँ पे श्रद्धा की डुबकी भी लगाते हैं तो आप आते हैं तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। और अभी जैसे कि शिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि पर यहाँ पर जो बहुत बड़ा मेला लगता है, काफ़ी भीड़ होती है, वैसे तो रोज़ ही श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अभी इस समय तो इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन काफ़ी जत्था एक जत्था उधर गया श्रद्धालुओं का। तो बहुत ही सुंदर स्थान है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी जो एक बार आप संपूर्ण जो तीर्थ स्थल है वासुदेव तीर्थ स्थल अमरोहा, उसके संपूर्ण दर्शन एक बार आप यहां पर कर लीजिए।
काफ़ी जो फब्बारे वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, रोशनी की जो रात में एक अलग ही माहौल यहाँ का होता। तो सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं श्री कालिया नाग का जो मान मर्दन किया था भगवान कन्हैया ने, वो लीला आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस लीला की जो संपूर्ण वीडियो है अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, मैं जो लिंक दे दूंगा। जो वृंदावन में जो श्री कालिया नाग का मान मर्दन किया था भगवान कन्हैया ने, वो संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और जहाँ पे कालिया नाग पत्थर के हो गए थे जाके श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण के, वो वीडियो भी हमारे जो चैनल पे है, आप उसे भी देख सकते हैं चाहे तो। तो आगे चलते हैं और हम जो नज़दीक से जो दर्शन कराते हैं। तो अभी हम आपको दर्शन कराने चल रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले का जो यहाँ का कदम का वृक्ष है उसके आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सरोवर के दर्शन उपरांत हम यहाँ आ चुके हैं, जो आगे की तरफ पीछे इधर बराबर मतलब ये जो रास्ता गया यहाँ पे वो प्राचीन जो स्थान है जो वृक्ष, तो जो प्राचीन कदम का वृक्ष है उसके हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। जो बताते हैं कि मतलब जानकार लोग कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण आए थे तो कदम के वृक्ष के नीचे उन्होंने स्थान मतलब विश्राम किया था, तो कदम का वृक्ष हम आपको दिखाते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आप यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखिए यहाँ पे जो शनिदेव विराजमान है, ये मंदिर है शनिदेव का, और ये सारे का सारा जो वासुदेव तीर्थ स्थल की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी जो विशाल क्षेत्र है ये, काफ़ी यहाँ पे जो स्नान वगैरह की कुछ ये मतलब पीछे जाली लगी हुई है, यहाँ पर संरक्षित कर रखा गया है इस स्थान को भी। तो इस समय जो आप दर्शन कर रहे हैं देखिए ये जो कदम का वृक्ष है, बताते हैं कि ये जो 5000 वर्ष पुराना भगवान श्री कृष्ण के समय का जो कदम का वृक्ष है, उन्होंने यहाँ पे स्थान पे मतलब इस स्थान पे इस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। तो ये एक अपने आप में ये भी एक अनूठी चीज़ है कि ये जो क्षेत्र है जो अमरोहा का क्षेत्र है इसमें ये वृक्ष नहीं मिलते हैं आमतौर पर, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और यहाँ पर ये वृक्ष ही है काफ़ी अच्छी हालत में आप देख रहे हो। तो इसकी जो पानी वगैरह की कोई देखभाल नहीं है, यहाँ पे पक्का है सारे का सारा। सामने आप देख रहे हैं प्राचीन मंदिर है, और ये जो पीपल का वृक्ष है ये भी काफ़ी पुराना है। तो हमने आपको जो वासुदेव तीर्थ स्थल अमरोहा के जो दर्शन कराए, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कराए। तो आप जो अपने विचार हैं कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएँ, और तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली सीरीज जो हम मथुरा वृंदावन जो बरसाना की होली है वहाँ के लिए हम चलेंगे, तो उसके लिए आप जो पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि जो होली की जो नोटिफिकेशन है आपके लिए सबसे पहले मिले। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।